ये देख लीजिए एड्रेस जो है, ये मैं किसी का किन्हीं का नंबर जो है नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये देखिए कहाँ जा रहा है, ये महाराष्ट्र में जा रहा है ये। और ये क्या है, ये पेपर प्लेट का हीटर मैं है। आज साफ शब्दों में कह जा दूंगा कि ये जो भी प्रोडक्ट मैं भेजता हूँ ये कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसीलिए इस वीडियो को मैं क्रिएट किया पार्ट्स का हूँ। वीडियो बनाइए, तो मैं आ चुका हूँ, पार्ट्स का हाँ, सेट सेट मिल मिल जाएगा। उसके बाद मैं बता दूँ कि पेपर रोल बंडल को लगाने के लिए रड दिया गया है, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का रड है, देख सकते हैं। उसके ये जो है ओरिजिनल जो है, प्लास्टिक का जो है चकोड़ा आता है, लेकिन ये ओरिजिनल जो है ये बूंदा और लोहा का चकोड़ा है, जो कभी टूटेगा नहीं अगर इसे आप यूज कीजिएगा। और रड भी जो है खींचा हुआ सरिया का, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का दोस्तों, रड। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि कुरियर के माध्यम से जो है पार्ट्स मैं कैसे भेजता हूँ, तो आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से पैकिंग करता हूँ, किस प्रकार से कुरियर में लगाता हूँ, पेमेंट का क्या प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, इंस्टॉलेशन वीडियो देखते हैं उसमें वो देखते हैं कि हाँ कुरियर के बारे में मैं बताता हूँ कि हाँ छोटा छोटा पार्ट्स है वो मैं आपको कुरियर कर दूंगा, लेकिन वो मुझे से सवाल करने लगते हैं कि भाई आप ये नहीं बताते हैं कि किस प्रकार से जो है उन्हें जो है मैं भेजता हूँ। तो आज मैं लाइव प्रूफ में सब कुछ दिखाने वाला हूँ, सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल वीडियो को। तो देखिए मैं WhatsApp पे आ चुका हूँ, और मैं यहाँ बता दूँ कि सबसे पहले वो WhatsApp पे मैसेज किए, वो डाई का फ़ोटो इस प्रकार से भेजे हैं, और उसके बाद आप नीचे देखें तो ये पेन से लिख करके भेजे हैं कि 14 इंच हीटर ऊपर का हमको चाहिए। उसके बाद जो है वो मेरा नंबर भी लिख के मेंशन किए हैं। उसके बाद देखिए मैं जो है उन्हें जो हीटर का प्राइस होता है वो प्राइस लिख करके और जो हिसाब हुआ हिसाब भेजा। उसके बाद मैं क्या किया कि अपना अकाउंट डिटेल दिया उनको। उसके बाद मैं जो टाइप करके भेजा हूँ कि फुल एड्रेस विथ पिन कोड पे एंड फुल एड्रेस, मतलब आप मुझे पेमेंट कीजिए और फुल एड्रेस विथ जो है वो पिन कोड आप भेजिए ताकि मुझे भेजने में किसी भी परेशानी ना हो। तो वो मुझे लिखकर सेंड किए, फिर मैं उन्हें मैसेज किया हूँ कि जो है अब बोल कर के वॉइस मैसेज मैं किया हूँ आप आधार कार्ड के जो कि पीछे आप रहता है ना मुझे वो एड्रेस वो जो भेज प्रोडक्ट है दीजिए ऐसे। जो आप मुझे क्या कीजिए, आप अपने आधार कार्ड का डिटेल दीजिए। जो आधार कार्ड का डिटेल मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये जो है ये इनलीगल है। उसके बाद जो है मैं वो पेमेंट दिए, और पेमेंट के बाद उनका जो है ये प्रोजेक्ट आप लोग देख पा रहे हैं सामने में, उनको मैं कुरियर कर दिया हूँ। तो इस प्रकार से जो दोस्तों है देख सकते हैं ये जो है पार्सल रेडी हो चुका है, और ये पैकिंग के लिए ये मैं इस टाइप का टेप यूज करता हूँ। और ये देख लीजिए एड्रेस जो है, ये मैं किसी का किन्हीं का नंबर जो है नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये देखिए कहाँ जा रहा है, ये महाराष्ट्र में जा रहा है ये। और ये क्या है, ये पेपर प्लेट का हीटर है, देख लीजिए 4 पीस हीटर है। और मैं इधर दिखाऊं तो ये भी जो आप देख पा रहे हैं कुणाल जी का है ये, और इसका भी आप अगर एड्रेस देखें तो ये भी महाराष्ट्र का है। ये दोनों प्रोडक्ट जो है, इसमें एक हीटर स्विच भी है, यहाँ पे कनेक्टर है, हीटर कनेक्टर जो यहाँ देख रहे हैं नीचे ढका हुआ है, ये हीटर कनेक्टर है। तो ये दो पार्सल जो है आज के डेट में जो है ये डिलीवर हो रहा है। तो ये तो दोस्तों इस प्रकार से जो है छोटे छोटे पार्ट्स को लोग मंगवाते हैं, और कुरियर वाला जो है वो पेमेंट जो है एक्सपेक्ट नहीं करता है, मतलब वो उसका ऐसा नियम नहीं है कि वो कैश ऑन डिलीवरी कर सके। तो पेमेंट मुझे पहले ही कुरियर चार्ज पे पेमेंट करना पड़ता है, पार्ट्स का भी जो है पेमेंट पहले ही करना पड़ता है। इसीलिए जो लोगों को अगर मेरे ऊपर बिलीव नहीं है वो तो जो है मैसेज इस तरीके का बहुत सारा मैसेज भरा पड़ा है जो सिर्फ मैसेज करते हैं, तो वो भी अपना टाइम बर्बाद करते हैं और मेरा भी टाइम बर्बाद होता है। तो मैं आज साफ शब्दों में कह जा दूंगा कि ये जो भी प्रोडक्ट मैं भेजता हूँ ये कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसीलिए जो है मैं ये वीडियो क्रिएट किया हूं ताकि लोग जो है वो परेशान ना हो, वीडियो को मैं क्रिएट किया हूं। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।